डियर व्यूअर्स, अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर जो कि है एंजाइम के ऊपर। तो पार्ट वन में हमने पढ़ा था कि एंजाइम की डेफिनेशन क्या है, होलो एंजाइम क्या होते हैं, एपो एंजाइम क्या होते हैं, को एंजाइम क्या होते हैं, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। आज हम पार्ट टू में पढ़ेंगे कि फिशर लॉक एंड की मॉडल क्या है, कोशलेट इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या है, और कौन कौन से फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि एंजाइम एक्टिव साइट क्या होती है। एंजाइम एक्टिव साइट वो होती है जहाँ पे वो अपनी कैटालिटिक रिएक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम में ये जो पार्ट देख रहे हैं जहाँ पे पॉकेट्स हैं और क्लेफ्ट बनी हुई है, यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड करता है, और जैसे ही ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड करेगा तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये जो साइट है वो एंजाइम की कैटालिटिक साइट है, तो इस कैटालिटिक साइट को एंजाइम की एक्टिव साइट कहा जाता है। और ये जो एक्टिव साइट है यहाँ पे इस पिक्चर में आपको टू डायमेंशनल दिख रही होगी, बट एक्चुअली ये 3D फॉर्म होती है, क्योंकि हम जानते हैं एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो अमीनो एसिड के बीच में अमाइड बॉन्ड फॉर्म होता है और जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है जो एंजाइम को 3D स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो ये है एंजाइम आपका, और ये जो ARG-145 TYR-248 दिखाया है ये अमीनो एसिड है, Arginine-145 Tyrosine-248। तो पूरे एंजाइम के अंदर ये अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ओके, और जिसकी वजह से ये एंजाइम में पॉकेट्स बनती हैं और ये क्लेफ्ट बनते हैं। तो अब क्या होता है, आपका जो मॉलिक्यूल होता है जो कि सबस्ट्रेट है वो कोई कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यस, तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इस पॉकेट में और क्लेफ्ट में इंसर्ट होता है और इस अमीनो एसिड के साथ या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन करता है या हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, या वंडरवाल फोर्सेस में जाता है या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन में करता है। तो इस तरह आपका जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ इंट्रैक्ट होता है। तो अब हम पढ़ेंगे फिशर लॉक एंड की मॉडल क्या है। इसे एमिल फिशर ने 1894 में दिया था इस मॉडल को, और इस मॉडल को लॉक एंड की मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग देयर इज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चरल फीचर्स आर प्रेजेंट बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट एंड द एक्टिव साइट इज प्री शेप्ड टू फिट द सबस्ट्रेट। जैसे ये एक की है, एक की की एक पर्टिकुलर शेप होती है जो उसके लॉक के साथ ही फिट होती है, कोई इस लॉक में दूसरी की फिट नहीं होती। तो ऐसे ही फिशर कहना चाहता है कि एक सब्सटेंस की या एक सब्सट्रेट की एक पर्टिकुलर शेप होती है जो उसके पर्टिकुलर एंजाइम के साथ ही बाइंड करती है, किसी दूसरे एंजाइम के साथ नहीं बाइंड करती। ऐसे ही एंजाइम की एक शेप होती है जो उसके पर्टिकुलर सब्सट्रेट के साथ ही बाइंड करती है, किसी दूसरे सब्सट्रेट के साथ बाइंड नहीं करती। तो यही रीज़न होते हैं कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, ओके। तो दिस इज़ अबाउट लॉक एंड की मॉडल, और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक एंजाइम है जो आपका सब्सट्रेट ए है, जो इसकी ये शेप है वो इस एंजाइम की पॉकेट के साथ बिल्कुल मैच हो रही है, तो इनके बीच बाइंडिंग हो रही है। जबकि आपका सब्सट्रेट बी है वो इस एंजाइम की पॉकेट के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो इनमें कोई बाइंडिंग नहीं हो रही है। तो दिस इज़ अबाउट फिशर लॉक एंड की मॉडल। अब हम पढ़ते हैं कोशलेंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। कोशलेंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल डेनियल कोशलेंड ने 1958 में दिया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि यस, वो मानते हैं कि जो सबस्ट्रेट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लीमेंट्री है एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, बट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। एंजाइम सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उस फॉर्म में जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, बट नॉट इन फ्री एंजाइम। जैसे कि इस फिगर में आप देखेंगे कि ये जो एंजाइम है इसकी जो शेप है पॉकेट की वो कॉम्प्लीमेंट्री है सबस्ट्रेट की शेप के साथ, बट इन
इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनता है उस फॉर्म में, बट जबकि इंजाइम फ्री फॉर्म में है तो उसकी ये जो शेप है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है सबस्ट्रेट के साथ। इस इंड्यूस फिट मॉडल में क्या होता है, जैसे ही ये सबस्ट्रेट इंजाइम के पास आता है तो इंजाइम में कन्फर्मेशनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं और इसके जो अमीनो एसिड होते हैं वो अलाइन होना शुरू हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप ऑफ दिस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सो दैट कि ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ईजिली फिट हो जाए इंजाइम के अंदर। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं ग्लव्स और हैंड का। ग्लव्स हम जानते हैं फ्लेक्सिबल फॉर्म है, इसको आप इंजाइम कंसिडर कीजिए, और ये हैंड है, हैंड हमारा एक सबस्ट्रेट है जो रिजिड नेचर का है। जैसे जैसे हम अपने हैंड को इसमें डालना शुरू करते हैं ये जो फ्लेक्सिबल फॉर्म है ग्लव्स की वो अलाइन होना शुरू कर देती है और ऐसे अलाइन हो जाती है जो हमारे हैंड के ऊपर बिल्कुल फिट हो जाती है। तो यही वो कहना चाहता है कोशलैंड कि जो हमारा सबस्ट्रेट है, जो हमारा हैंड है, वो इंड्यूस कर रहा है चेंजेस इन इंजाइम जो कि ग्लव्स है उसमें चेंजेस इंड्यूस कर रहा है सो दैट कि दोनों आपस में फिट हो जाए। तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टिंग इंजाइम एक्टिविटी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला फैक्टर हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ इंजाइम। तो जैसे जैसे हम इंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते रहते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती रहती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और 5 इंजाइम के मॉलिक्यूल हैं, तो 5 इंजाइम के मॉलिक्यूल 10 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटा लेते हैं मान लीजिए। जैसे ही आप इंजाइम की कंसंट्रेशन डबल कर देंगे 10 कर देंगे तो वही जो सबस्ट्रेट है वो आधे घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, और ऐसे ही अगर आप इंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते रहेंगे तो रिएक्शन रेट इंक्रीज होता रहेगा और उतनी ही जल्दी सबस्ट्रेट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनको मान लो कि ये इंजाइम्स है और इनके सामने बहुत सारी टॉफीज रखी हुई हैं, उन्हें सबस्ट्रेट मान लो, तो बच्चे ये इस टॉफीज को ख़त्म करने में 1 घंटा लेते हैं। अगर यही 10 बच्चे हो जाएंगे तो उतनी ही जल्दी ये टॉफी ख़त्म हो जाएंगी, और ये 15 होंगे तो उतनी ही और जल्दी ये टॉफीज ख़त्म हो जाएंगी। तो यही कंसेप्ट है कंसंट्रेशन ऑफ इंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन में। तो नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जैसे जैसे आप इंक्रीज करते रहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती रहेगी, और जैसे ही और कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे सबस्ट्रेट की तो रिएक्शन रेट इंडिपेंडेंट हो जाएगा और ये सैचुरेट हो जाएगा। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि मान लो देर आर 5 इंजाइम मॉलिक्यूल एंड 2 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, तो इंजाइम उतनी ही जल्दी इन 2 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अब 5 मॉलिक्यूल के लिए अगर हम 6 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रखते हैं तो इंजाइम उनको भी जल्दी से कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट में, लेकिन अब 6 की जगह आप 30 या 50 या 100 मॉलिक्यूल्स रख देंगे सबस्ट्रेट के, तो इंजाइम की जो पॉकेट है, जो एक्टिव साइट है, वो सैचुरेट हो जाएगी। ओके, इंजाइम तो अपनी उसी स्पीड से काम करेगा लेकिन अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, आपको इतने जल्दी चेंजेस नहीं दिखेंगे रिएक्शन रेट में। तो यही रीज़न है कि रिएक्शन रेट सैचुरेट हो जाता है बिकॉज इंजाइम की एक्टिव साइट सैचुरेट हो जाती है और देयर आर मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द रिएक्शन सिस्टम, तो आपको ये चेंजेस दिखाई नहीं देते हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम कई बार कहते हैं कि यार बाहर बहुत अच्छा मौसम है तो आज क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो जनरली 25-40 डिग्री के बीच मौसम होता है वो बाहर का। अब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा जैसे 15 डिग्री या 10 डिग्री जब ठंड हो जाती है तो हम कहते हैं बाहर बहुत ठंड है हम नहीं खेलेंगे क्रिकेट, या फिर हम 40 डिग्री अबव जाते हैं तब हम कहते हैं यार बाहर बहुत गर्मी है हम नहीं खेलेंगे क्रिकेट। तो ऐसे ही इंजाइम के साथ भी है, उनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अब आप उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो भी इंजाइम की एक्टिविटी कम होती रहती है, और अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो भी इंजाइम की एक्टिविटी कम होती रहती है। तो यही लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ एन इंजाइम रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन
टेम्परेचर अप टू ऑप्टिमम लेवल, आफ्टर दैट इट अगेन स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो आपको बेल शेप कर्व मिलती है। अगर हम ह्यूमन बॉडी के एंजाइम की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के एंजाइम अराउंड 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस पे बेटर वर्क करते हैं। अगर आप जरा सा भी मूव होते हैं कोल्ड टेम्परेचर की तरफ या हॉट टेम्परेचर की तरफ, तो आपके एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसके, जैसे टाक डीएनए पॉलीमरेज एंड मसल एडाइनिलेट काइनेज, जो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी अच्छा काम करते हैं। ऐसी कुछ प्लांट के एंजाइम है जैसे कि यूरियस है, उनकी ऑप्टिमम एक्टिविटी अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस होती है। इसका रीज़न क्या है कि ये जो एंजाइम है ये इस टेम्परेचर पे भी एक्टिव है। इट इज़ बिकॉज क्योंकि उनके जो अमीनो एसिड की अरेंजमेंट है वो इतनी स्टेबल है, हीट का भी उनकी कन्फर्मेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर अमीनो एसिड की कन्फर्मेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो ऑफकोर्स एंजाइम की कन्फर्मेशन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो एंजाइम की एक्टिविटी सेम रहेगी। तो मैंने यहाँ पे बताया था जो हमारी ह्यूमन बॉडी के एंजाइम है वो 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस पे अच्छा काम करते हैं, और जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। इसका रीज़न क्या है कि क्यों डिक्लाइन शुरू होती है? इसका रीज़न है डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, मतलब आपके अमीनो एसिड की कन्फर्मेशन चेंज हो जाती है, और जिसकी वजह से जो प्रोटीन है और अल्टीमेटली एंजाइम है उसकी कन्फर्मेशन टोटली चेंज हो जाती है। इस कार्टून में कह रहा है कि ओ पुअर जेरी, आई टोल्ड हिम वर्किंग इन नॉन आइडियल टेम्परेचर वो डीनेचरिंग। तो आप ये देख सकते हैं जेरी का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली डीनेचर्ड हो गया है, टोटली चेंज हो गया है। तो अब ये उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकता जितनी एफिशिएंसी से ये दोनों काम कर रहे हैं। ओके, तो फोर्थ फैक्टर हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट ऑफ पीएच। ये बिल्कुल सेम है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की तरह, हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच होता है जहाँ पे वो एफिशिएंटली वर्क करता है। अगर आप उस ऑप्टिमम पीएच से अगर लेफ्ट की तरफ मूव करते हो, मीन्स यू आर मूविंग टुवर्ड एसिडिक साइड, तो भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अगर आप उस ऑप्टिमम पीएच से राइट की तरफ मूव करते हो, मीन्स टुवर्ड अल्कलाइन साइड, तो भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती है। और हर एंजाइम का अपना डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच होता है। अगर हम हमारे ह्यूमन बॉडी के एंजाइम की बात करें तो वो न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं 6 to 8, बट कुछ एक्सेप्शन है लाइक पेप्सिन 1 to 2 में काम करता है अच्छे से, एसिड फॉस्फोटेज 4 to 5, अल्कलाइन फॉस्फोटेज 10 to 11, एंड सम जो फंगस और प्लांट एंजाइम है वो भी एसिडिक पीएच जो कि 4 to 6 है उस पर अच्छे से वर्क करते हैं। तो रीज़न क्या है कि अगर आप ऑप्टिमम पीएच से मूव करते हो लेफ्ट एसिडिक या बेसिक साइड की तरफ तो उसकी एक्टिविटी क्यों डिक्रीज होती है? रीज़न यही है कि डीनेचुरेशन होना। और ये डीनेचुरेशन क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो एंजाइम है उसमें अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगर आप उसको एसिड की तरफ लेके जाएंगे तो जो NH2 है वो NH3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप बेसिक की तरफ लेके जाएंगे जो उसमें एसिड ग्रुप है COOH, तो बेस क्या करेगा, उसका प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करके COO नेगेटिव बना देगा, तो उसकी वजह से प्रोटीन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आएंगे। तो यहाँ पे फिर से ये दोनों कह रहे हैं कि जेरी को समझाया था कि अपने ऑप्टिमम पीएच पे काम करे, क्यों वो इस तरफ उस तरफ वाले पीएच वाले में गया, और यहाँ जेरी बेचारे की फिर से प्रोटीन की कन्फर्मेशन चेंज हो गई है, अब वो इतने एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता जितने ये दोनों कर सकते हैं। तो अगला फैक्टर हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का क्या इफ़ेक्ट होता है एंजाइम की एक्टिविटी? स्टार्टिंग में जब प्रोडक्ट बहुत कम क्वांटिटी में होता है तब उसका एंजाइम की वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही ये प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है तो वो एंजाइम को चारों तरफ से कवर कर लेता है, उसकी पॉकेट्स जो भी हैं उसके साथ लूजली बॉन्ड फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, और एंजाइम के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना। ये जो रेड सपोर्ट है आप इसे रिएक्टेंट कंसीडर करो, और ये जो ग्रीन सपोर्ट है इसको प्रोडक्ट कंसीडर करो, और ये जो ब्लू कलर है इसको एंजाइम कंसीडर करो।
तो आप देखोगे कि इंजाइम के चारों तरफ प्रोडक्ट हैं और ये प्रोडक्ट लूजली बाउंड हो जाते हैं इंजाइम की कैविटी के साथ, मींस पॉकेट के साथ, मींस एक्टिव साइट के साथ लूजली बाइंड हो जाते हैं, और साथ ही साथ इंजाइम के लिए भी रिएक्टेंट तक रीच करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसकी वजह से इंजाइम की एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे कोफैक्टर्स के बारे में। हम पहली वीडियो में भी कोफैक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कोफैक्टर के बिना कहीं इंजाइम एक्टिव नहीं हो पाते, और आल्सो समटाइम कोफैक्टर इन्हांस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कोफैक्टर जनरली कैटायनिक नेचर के होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, कैल्शियम, कोबाल्ट, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम। बहुत ही कम एनायनिक फॉर्म के कोफैक्टर होते हैं, जैसे कि क्लोराइड आयन, जो कि अमाइलेज की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये किस मैकेनिज्म से इंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं? कई बार क्या होता है, कोफैक्टर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं और हेल्प करते हैं सबस्ट्रेट की इंजाइम सबस्ट्रेट मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। तो कई बार ये सबस्ट्रेट के बाद साथ बाइंड करते हैं, और कई बार जो कोफैक्टर होते हैं वो इंजाइम के साथ बाइंड करके उसकी कन्फर्मेशनल चेंज करते हैं, सो दैट कि आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इंजाइम के साथ बाइंड कर सके। सो टू कैटेगरीज ऑफ इंजाइम्स रिक्वायरिंग मेटल फॉर दियर एक्टिविटी। सो फर्स्ट कैटेगरी इज मेटल एक्टिवेटेड इंजाइम। इसमें क्या होता है, जो आपका मेटल होता है वो इंजाइम के साथ लूजली बाइंड होता है, और दूसरा मेटल आके इस मेटल को रिप्लेस कर देता है। जैसे ATPase में मैग्नीशियम एंड कैल्शियम होते हैं, तो कोई दूसरा मेटल आके इनको रिप्लेस कर देता है, और ऐसे ही इनोलेस में मैग्नीशियम होता है, तो कोई दूसरा मेटल आके इस मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकता है। दूसरी कैटेगरी ऑफ इंजाइम है मेटेलो इंजाइम। ये वो कैटेगरी है जिसमें इंजाइम अपने मेटल के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्गली बाइंड होता है, और कोई दूसरा मेटल इनके मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसमें एग्जांपल आते हैं अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड एल्डोलेज। इनमें जिंक प्रेजेंट होता है, और फिनोल ऑक्सीडेज में कॉपर प्रेजेंट होता है, पाइरुवेट ऑक्सीडेज में मैंगनीज प्रेजेंट होता है, जेंथिन ऑक्सीडेज में मोलिब्डेनम एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में आयरन एंड कॉपर। ये भी हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से इंजाइम में कौन कौन से मेटल प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टाइम में। अगर हम ऑप्टिमम pH लें एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर लें, तो जनरली इंजाइम कम टाइम लेते हैं सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप pH एंड टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इंजाइम की एक्टिविटी पे भी फर्क पड़ता है। ओके, तो नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट एंड रेडिएशन। अगर आप अपने इंजाइम को एक्सपोज करते हो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बीटा, गामा एंड एक्सरे रेडिएशंस में, तो आपके इंजाइम की एक्टिविटी या तो स्टॉप हो जाएगी या डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ परोक्साइड्स। तो इसमें आपका एग्जांपल आता है, जैसे यूवी रेडिएशन देते हो आप सेलाइवरी अमाइलेज इंजाइम को, तो उसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा कि कैसे इंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होते हैं, और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इंजाइम की एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट डालते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं अपनी बेस्ट पॉसिबल कोशिश करूँगा उन क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।